इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तप करने के कारण से ब्रह्मा जी और शिव जी वर देने के लिए उपस्थित हो जाते थे। जब हम भजेंगे और भजन का प्रभाव बढ़ेगा तो भगवान की छतरी अपने आप हमारे सिर पर आकर के छाया बना दी। तप से सब संभव है। रावण को बोले, आप वर मांगो, हम किसी से मरे नहीं। भगवान ब्रह्मा बोले, संभव है। रावण ने कहा, वानर मनुष्य को छोड़कर हम किसी से मरे नहीं, तथास्तु। कुंभकर्ण ने मांगा, 6 माह सोऊं, 1 दिन जगूं, निद्रा पूरी हो जाए। भगवान शिव ने और ब्रह्मा जी ने आशीष दिया। विभीषण के पास गए दोनों लोग, कहे, पुत्र वर मांग, ते ही मांगिस भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अरे वर मिला, मैं दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ किया। पाताल जाकर दोनों भाइयों का विवाह करके रावण लाया है। रावण का परिवार धीरे धीरे बढ़ने लगा और इतना बढ़ा पूरी धरती पर आसुरी समाज का मानो बोलबाला हो गया। ये पूरा परिवार जहि विदेहो धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, शुभयाचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मान, अतिशय देखि धर्म कै ग्लानि, परम सभीत सब लोग मुनियों के पास, मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कैलाश पर भगवान भूत भावन के पास आए और बैठकी भई। भगवान कहाँ मिलेंगे, कोई कहे कहीं, कोई कहे कहीं। बाबा कहते हैं, ते ही समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाय बचन एक, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमत प्रगट होहि मैं। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने प्रशंसा किया बाबा भोलेनाथ की और सब लोग पितामह ब्रह्मा के साथ छंद भाव में गाने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भग, सब घटवासी या भगवान।
सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत गगन गिरा गंभीर भई हर निशोर समंदे सुर भूमि मुनि सबको भय सहित जानकर भगवान श्री हरि की ब्रह्मवाणी बोली। क्या बोली? जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेश, क्यों तुम हिलाग धरि हूं नरवेश। डरिए मत। आप सभी से भी कथा के माध्यम से मेरी प्रार्थना है, कलयुग से डरिए मत। हाँ, कलयुग वाली करिए मत, कलयुग से डरिए मत, लेकिन कलयुग वाली करिए मत। वैसे भगत लोग कहाँ करते, हम कथा करें तो कथा हमको समझ में आनी चाहिए, फिर जो सुने उसको समझ में आनी चाहिए, जो करावे उसको भी समझ में आनी चाहिए। ये जब घाल मेल होता है ना तो फिर बिगड़ती है बात। भगवान ने कहा निर्भय होइए, डरो मत। तो महिलाग धरि हूं नरवेश। कैसे? अंश न सहित मनुजय अवतार ले हम दिन कर सूर्य वंश में मैं अवतार लूंगा, अंशों के सहित आऊंगा। मनु जी महाराज से भगवान ने कहा ये आदि शक्ति ये भी अवतरित होगी। देवता लोग जाने लगे, भगवान ब्रह्मा ने नहीं 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 नहीं, नहीं जाइए, इधर आइए। क्या? धरती पर जाकर वन के नर बन के भगवान की प्रतीक्षा करी। भगवान आएंगे धरती के भार को उतारने, तब हम आप उनके सहयोगी बनकर उनकी सेवा में रहेंगे। हमको आपको जिसको भगवान ने क्षमता दी है सुनने की उसको कथा सुनना चाहिए, जिसको भगवान ने कथा करने की क्षमता दी है उसको चार लोगों को ही बिठाकर कथा सुनानी चाहिए। जरूरी नहीं कि 5,000 लोग हों, 50,000 लोग हों, 5 लोग हों। मैंने 5-7 ऐसी कथाएं की है जहां कुल 20 लोग होते। हाँ, अभी यहां कोई हरियाणा में जगह है पुन्हाना, नहीं 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 पुन्हाना है ना, वहां कोई सिद्ध पुरुष है 96 साल के, वहां से टेलीफोन आया मेरे को कथा सुननी है तुम्हारे मुंह से। मैंने कहा सरकार जैसे समय मिलता है मैं श्री चरण में आता हूँ। 96 साल के महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनको अकेले कथा सुननी है, हम अकेले 9 दिन समय निकाल के सुने, ये मेरा सौभाग्य है। कोई महापुरुष सुने कितना सौभाग्य होता, सोचिए। सुनने वाले मिलते हैं क्या, ये तो हमारा सौभाग्य है। लोग सुनते हैं, मैं कहता ही हूँ कि सुनना है तो बुलाई, सुनो चुपचाप सुनो। ये कथा ही तो कल्याण कर रही है, कथा ही कल्याण करेगी। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की, यही है राम कथा। न सुनने वाले सुनते हैं, न सुनाने वाले सुनाते हैं।
कहीं कईट कहीं करोड़ा हो गया है। कितनी अद्भुत कथा बाबा मैया को सुना रहे हैं। भगवान ने ब्रह्मा ने क्या कहा, धरती पर अवतार लीजिए। अब मेरे बाबा बोले, देवी यह सब रुचिर चरित मैं भाखा, अब सो सुन हो जो बीच हिया। बाबा ने माँ से कहा, अब वो सुनो जो कथा बीच में रख दिया था। क्या बोले, अवधपुरी रघु कुल में निरावो, अवधपुरी रघु कुल में निरावो, वेद विदित तहि दशरथ नामो, वेद विदित धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी, हृदय भक्ति धर्म की धुरी को धारण करने वाले रघुकुल के मणि श्री चक्रवर्ती जी महाराज, जिनकी दसों इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियां उनके बस में थी, बड़ा कठिन है। अरे बस में थी तभी तो ब्रह्म के पिता होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सरल काम है क्या? श्री चक्रवर्ती जी महाराज भगवान के पिता हैं, थोड़ी घटना है, कितना बड़ा सौभाग्य है। माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, पतिव्रत धर्म का दिव्यता पूर्ण पालन करने वाली तीन माताएं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।